हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में क्या डिस्कस किया जाएगा कि सीबीएसई 2020-2021 सेशन के लिए सोशल साइंस का जो नया सिलेबस है, नया तो नहीं है, है तो सिलेबस पुराना ही, लेकिन कुछ पोर्शंस डिलीट कर दिए गए हैं, ऐड तो कुछ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी नया किस तरह से बन गया ये, क्योंकि इसमें से काफ़ी पोर्शंस को रिमूव कर दिया गया है। तो सीबीएसई की तरफ से 30% तक की डिडक्शन की गई है। तो सोशल साइंस के सिलेबस को लेकर बच्चों में पहले ही बहुत से डाउट्स रहते हैं, कौन सा चैप्टर है, कौन सा नहीं है। तो इस वीडियो से आपको क्लियरली पता लग जाएगा कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं करने हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो सेक्शन टू है, हिस्ट्री को तीन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन वन में कुछ भी डिलीट नहीं है, सेक्शन वन में कुछ भी डिलीट नहीं है। नई बुक के हिसाब से देखना है, आपने पुरानी बुक को नहीं देखना है। पुरानी बुक में सेक्शन वन में भी आपको इंडो चाइना वाला चैप्टर मिलेगा जो कि ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है या आपके पास पुरानी बुक है, तो आप क्या करेंगे, एक ई बुक डाउनलोड कर लीजिए नई वाली, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आसानी से किसी भी वेबसाइट से। तो वहाँ पर जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ के हिसाब से देखना है। और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो सेक्शन टू है हमारा, उसमें उसका नाम है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़। तो सेक्शन टू में चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, आप चैप्टर वाइज मत चलिए, आप चैप्टर के नाम को देखकर सिलेक्शन को कीजिए। तो चैप्टर थ्री का नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर के जो मैंने नाम बताए हैं, आप नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे, चैप्टर के। तो क्या करना है आपको, चैप्टर का नाम देखना है, तो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें से क्या करना है आपको, एनी वन आउट ऑफ दीज टू चैप्टर्स। तो दोनों में से किसी एक को आप डिलीट कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए ये है, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से आपको एक डिलीट कर दिया, मान लीजिए आपने थर्ड चैप्टर को डिलीट कर दिया, तो उसको आपको स्टडी नहीं करना, आपको सिर्फ फोर्थ पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि फोर्थ नहीं पढ़ना चाहते आप और आप थर्ड पढ़ना चाहते हैं, तो आप थर्ड चैप्टर कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा थर्ड और फोर्थ में चॉइस, तो जिसने थर्ड कर रखा होगा वो थर्ड का आंसर दे देगा, और जिसने फोर्थ चैप्टर याद किया होगा वो फोर्थ का आंसर दे देगा। तो आपको थर्ड और फोर्थ दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से एक चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ये भी दिया गया है कि द चैप्टर चूजन टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि चैप्टर जो भी चूज किया गया है, मान लीजिए मैंने चूज किया है कि मैं थर्ड चैप्टर को नहीं करूंगा, इसको डिलीट कर दिया है मैंने, तो अगर मैं थर्ड चैप्टर नहीं करूंगा तो एग्जाम में थर्ड क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आएगा भी तो चॉइस रहेगी क्योंकि मैंने फोर्थ चैप्टर किया हुआ है। लेकिन जो पीरियोडिक टेस्ट्स होंगे उनमें उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, स्कूल वगैरह में टेस्ट होगा तो जिस चैप्टर को आपने नहीं किया तो टेस्ट में आपसे वो क्वेश्चंस, उस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी, इसी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स को, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से आपको कोई एक चैप्टर छोड़ना है और एक चैप्टर करना है। जिस चैप्टर को आपने छोड़ दिया है, डिलीट कर दिया है, वो एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन टेस्ट्स में, स्कूल टेस्ट वगैरह में आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन थ्री एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स पर है, तो इसमें जो चैप्टर फाइव है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो चुका है। चलिए आगे बात कर लेते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी की बात करेंगे तो जियोग्राफी में चैप्टर टू जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये कंप्लीट चैप्टर रिमूव कर दिया गया है।
चैप्टर 3 वोटर रिसोर्सेज, इसमें कंप्लीट चैप्टर को रिमूव कर दिया गया एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। इस बात का बहुत बहुत आपने ध्यान रखना है कि चैप्टर 3 जिसका नाम है वोटर रिसोर्सेज, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, चैप्टर के ऑर्डर के हिसाब से नहीं, चैप्टर के नाम के हिसाब से देखना है सिलेबस को। तो चैप्टर जिसका नाम है वोटर रिसोर्सेज, उस पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन मैप बेस्ड चीजें आ सकती हैं। तो चैप्टर 3 के मैप्स आपने करने ही करने हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में कंप्लीट चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। तो मैप आइटम्स को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर को आप डिलीट कर सकते हैं। ये है ज्योग्राफी का सिलेबस जो आपको डिलीट करना है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे अपने डाउट को क्लियर जरूर करवा लीजिए, और क्लियर करवाना जरूरी भी है। अगर आप क्लियर नहीं करते और थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको एग्ज़ाम में कम नंबरों के साथ इसको चुकाना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ आपने तैयारी नहीं करनी है, पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ के उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। चलिए बात करते हैं अब पोल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की, इसमें क्या क्या किया गया है। इसमें तो आप सीधा ही देख सकते हैं चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये कंप्लीट चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। और चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ये भी कंप्लीट चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये भी कंप्लीट चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। और चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये भी कंप्लीट चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम सिलेबस 9th का भी डिस्कस करें, चलिए 9th का हम अगली किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10 के डिलीटेड सिलेबस की ही बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाना चाहा है। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा समझिए, और फिर भी समझ नहीं आया तो जो भी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपका रिप्लाई फटाफट करेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन में, आपकी स्टडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम या रुकावट न आए। तो अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल पूरा का पूरा एजुकेशन के लिए ही डेडिकेटेड है। एजुकेशनल वीडियोस ही इस पे बनाई जाती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप तक जल्द से जल्द अच्छी वीडियोस पहुँचें, ताकि आप अप टू डेट रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।